ये कौन सा मॉडल है? केन इको। केन इको का फीचर्स क्या है? यहाँ पे 6 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेगा और डिले टाइमर ऑप्शन रहेगा 2 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स का। 6 वॉशिंग प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा? यहाँ पे इंटेंसिव मोड जो कि आपका ड्राई एंड ऑयली बर्तन वॉश करने के लिए, फिर आता है इंटेंस के बाद में नॉर्मल। ये नॉर्मल का इंडिकेटर है। नॉर्मल मतलब भात साथ खाया तुरंत इसमें लोड दे दिया, उसके लिए नॉर्मल। इको मतलब इकोनॉमिकल वॉश, इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग्स होता है। फिर आता है ग्लास। ग्लास मतलब टोटल डिनर सेट, मतलब कांच का बर्तन टोटल। फिर नेक्स्ट आता है 90 मिनट फॉर ब्रेकफास्ट, जो भी ब्रेकफास्ट में हम लोग खाना खाए हल्का हल्का करने के लिए, उसके लिए 90 मिनट। और लास्ट में आता है सोक मोड। सोक मोड मतलब प्री वॉश, बर्तन ऑलरेडी धुला हुआ है, फिर से वॉशिंग करना है, तो ये प्री वॉश है। ओके, तो ये पे जो 6 वॉशिंग प्रोग्राम दिख रहा है, सोक मोड में आपका बर्तन ड्राई नहीं होगा, ये वेट कंडीशन में आएगा। बाकी सारा 1, 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम में पूरा ड्राई कंडीशन में निकलेगा। प्रोग्राम चेंज करना है, ये पी प्रोग्राम का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम चेंज होते रहेगा। यह प्ले बटन, प्ले एंड पॉज का बटन। ये डिले टाइमर, मतलब डिले टाइमर 2 घंटे का करके अगर छोड़ देते या 4 घंटा 8 घंटा कितना भी डिले टाइमर करके छोड़ेंगे, तो ये 2 घंटे के बाद मशीन रन होगा, 4 घंटे के बाद में मशीन ऑन होगा, या 8 घंटे के बाद में हम लोग इसको पी प्रोग्राम करके जा सकते हैं कहीं ऑफिस काम से या बाहर में। और यहाँ पे पावर ऑन एंड ऑफ बटन है। ये दो जो इंडिकेटर है, ये सॉल्ट का इंडिकेटर है और ये साइनर लिक्विड का इंडिकेटर है। ओके, अभी अंदर में अगर देखेंगे, अंदर का जो है ये रैक, इसमें समोस, नाइफ, स्पून मतलब कटलरी ये सब रखने के लिए, ये एक रैक है, नीचे में एक और रैक है, 2 रैक है। नेक्स्ट, इस एरिया में हम लोग डाल सकते हैं प्लेट, जैसे चाय कप, कप का जो प्लेट होता है वैसा साइज का हम लोग प्लेट डाल सकते हैं। इसमें चाय कप उल्टा करके रखेंगे या ग्लास, पानी पीने वाला ग्लास जो आएगा सब इसमें उल्टा करके। यहाँ पे जो नीचे वाला लोअर बास्केट है, इसमें सारा प्लेट्स आएगा, डिनर प्लेट्स मतलब बड़ा साइज का जो भी प्लेट रहेगा सारा इसमें आएगा। और इस एरिया को हम लोग फिर से वही ग्लास का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या कोई भी आपका बड़ा जो कॉफी मॉग हो उसको भी उल्टा करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये लोअर बास्केट है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट का चैम्बर है। इसमें 1 kg सॉल्ट विथ 1 लीटर वाटर दोनों को मिल के डालना पड़ेगा। सॉल्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ये सॉल्ट का इंडिकेटर आ जाएगा, रेड इंडिकेटर। ये एरिया आएगा डिटर्जेंट, इसमें 25 ग्राम डिटर्जेंट चाहिए। यहाँ पे देखो 25 ग्राम लिखा भी हुआ है, तो ये डिटर्जेंट जितना बार वॉशिंग करेंगे उतना बार इसमें डिटर्जेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे साइनर लिक्विड आएगा, बस बर्तन को आफ्टर वॉश साइनिंग करने के लिए। यहाँ पे साइनर लिक्विड डालने के बाद यहाँ पे एडजस्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे बेस में एक एरो है, तो एरो को जितना हाई लेवल में रखेंगे उतना ज़्यादा साइनिंग होगा। तो फैक्ट्री सेटिंग 4 में आता है, कस्टमर को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा में करेगा हाई लेवल में, कम साइनिंग चाहिए तो कम लेवल में करेगा। और साइनर लिक्विड की यहाँ पे एक इंडिकेटर है, ये स्टार इंडिकेटर, सेम स्टार इंडिकेटर आपको यहाँ पे आ जाएगा, जैसे साइनर लिक्विड ख़त्म हो जाएगा ये इंडिकेटर ग्लो होगा। ठीक है, इतना था हम लोग का कि केन इको ये टेबल टॉप है, मतलब ऐसा जैसे टेबल या काउंटर के ऊपर में हम लोग रख सकते हैं।